भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष इकराम चौधरी को क्या हाउस अरेस्ट। यहां बता दें चले किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष इकराम चौधरी को आज सुबह एसडीएम गढ़ क्षेत्राधिकारी गढ़ आशुतोष शिवम व बहादुरगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने उनके आवास से निकलते से रोका और इकराम चौधरी आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में किसानों की मांगों के समर्थन में होने वाले किसान पंचायत में शामिल होने के लिए अपने साथियों के साथ दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भारी पुलिस बल के साथ के आवास पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी ने उन्हें प्रशासन का आदेश बताते हुए दिल्ली जाने से रोक दिया। इकराम चौधरी के दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहने पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। किसान नेता ने प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती रोकने वाले पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार के एमएसपी पर कानून बनाने और पिछले प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की तथा किसानों की दयनीय स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गढ़मुक्तेश्वर से देखिए गुलजार अली की खास रिपोर्ट।